हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, पानी जो है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर यही पानी थोड़ी भी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो कई बार हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। इवन प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, तो पानी देने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारे प्लांट्स को जो है पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि मॉइस्चर की ज़रूरत है। मॉइस्चर लेवल बना रहेगा तो प्लांट्स अच्छे चलेंगे, लेकिन सब प्लांट्स के लिए नहीं है। कुछ प्लांट्स जो हैं ड्राई मिट्टी यानी सूखी मिट्टी में भी अच्छे चलते हैं। तो आज जो है हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। मॉर्निंग या इवनिंग बेस्ट रहता है, आप किसी भी समय पानी दे सकते हो। बहुत लोग जो है मॉर्निंग को प्रेफर करते हैं। मॉर्निंग को इसलिए प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा कूलिंग रहता है, अच्छा रहता है। पानी जो हम डालेंगे प्लांट्स में वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा, तो इसलिए मॉर्निंग में कहते हैं। ठीक है, अच्छा है, नो डाउट। मैं भी अक्सर मॉर्निंग में डालती हूँ। कुछ लोग इवनिंग को प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस ये है कि इवनिंग को भी अच्छा रहता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अधिकतर जो है हम लोग के यहाँ पर देखिए सनराइज, सूरज जो निकलता है ये 5:15 या 5:30 के नियर अबाउट निकलता है। आप जब तक फ्रेश होकर के प्लांट से पानी डालोगे तब तक 6:00 हो जाता है। और हमारे यहाँ पर गर्मी में स्पेशली अप्रैल, मई और जून जब तक बारिश नहीं होती है तब तक क्या होता है कि सुबह जो है 9 बजे से ही टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, गर्माहट फील होने लगती है। तो जब हमने पानी डाला पौधों में तो कूलिंग जो है बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रहती है, मतलब तुरंत ही टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगता है। तो इस कारण से अगर सोचा जाए तो फिर मॉर्निंग में बहुत बेनिफिट नहीं है पानी डालने का, लेकिन जो है इवनिंग का हम आपको बताते हैं। फ़ायदा नुकसान दोनों ही हम आपको बताएंगे, आप अपने हिसाब से उसको प्रेफर कर लीजिएगा। शाम के समय पानी डालने की बात होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि शाम के समय जो होता है हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, कूलिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जब हम लोग पानी डालेंगे तो कूलिंग जो है और फास्ट हो जाएगी, जल्दी कूलिंग होगी। तो हमारे प्लांट्स जो हैं गर्मी में भी कूल लंबे समय तक रहेंगे, उनको पूरी रात मिल जाती है ठंडा रहने के लिए। तो वो जो अपना प्रोसेस करते हैं पानी के हेल्प से, मॉइस्चर के हेल्प से, तो वो बना रहता है उनके पास तक काफ़ी लंबे समय तक। दूसरी बात ये भी है कि जो शाम के समय पानी डालने को कहते हैं वो ये भी है कि शाम के समय दोस्तों जो कीड़े मकौड़े होते हैं वो हमारे प्लांट्स में अपना घर बनाने के लिए आने लगते हैं। तो उस समय जब हम लोग अपने प्लांट्स को गीला कर देंगे तो वो अपना घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि गीली सरफेस में बैठना वो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इस चक्कर में वो नहीं अपना हमारे प्लांट्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी से रिलेटेड ये आता है कि शाम के समय जो होता है कई लोग कहते हैं फंगस ज़्यादा होती बन जाती है प्लांट्स में। तो हाँ, ये कारण सही है। अगर आपके प्लांट्स में पानी रुकेगा, बार बार पत्तियों में बैठा रहेगा पानी, जड़ों में रुका रहेगा, तो फंगस होनी ही होनी है। कई बार जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं तो उनमें पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, रुक जाता है ऊपर पत्ती की सरफेस में। तो जब ये काम रोज़ रोज़ होगा तो स्वाभाविक है हमारे प्लांट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, उनमें फंगस आ जाएगी। तो आपको अगर शाम को पानी देना है तो इस चीज़ को चेक करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अगर आपके यहाँ रेनी सीजन नहीं आता है तब तक जो है आप शाम को पानी डाल सकते हैं, लेकिन बरसात आने में बंद कर दीजिएगा। गर्मियों में प्लांट्स को नहलाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर जो है लू चलती है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो उससे हमारे प्लांट्स की पत्तियाँ जो होती हैं उसमें धूल जम जाती है। तो जब आप पानी डाल दोगे तो वो कम से कम साफ़ हो जाएंगी और अपना जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो प्रॉपर रूप से करेंगी, क्योंकि स्टोमेटा में कहीं ना कहीं धूल कण जो है वो जमा होने लगते हैं। तो आप सुबह डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम दोनों ही टाइम डालते हैं। एक्चुअली मैं जो हूँ इस समय जब से ग्रीन नेट लग गया है तब से मैं डेली पानी नहीं डाल रही हूँ। मैं मिट्टी चेक कर लेती हूँ, मुझे मिट्टी अंदर से भी अगर ड्राई लगती है, देखिए चेक भी अब नहीं करते हैं, इतने दिन से दे रहे हैं तो आइडिया मिल जाता है कि पानी की मतलब ज़रूरत नहीं है देने की। अगर आप बिगनर हो तो आप उसको चेक करो मिट्टी को कि देना है कि नहीं देना है, थोड़ी सी ऊपर से हटा के देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना ऊपर की जो बिल्कुल मिट्टी की लेयर होती है सूरज की रोशनी पड़ने से वो ड्राई सी हो जाती है लेकिन अंदर गीली रहती है, तो आप उसको चेक कर लो। इवन जो मल्चिंग हम लोग करते हैं मल्चिंग में भी दिखता नहीं है। वैसे तो जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको मल्चिंग देख के भी मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मल्चिंग में भी हल्का सा मॉइस्चर पता लगता रहता है, नमी पता लगती रहती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता लगता तो थोड़ा सा आप मल्चिंग हटा करके देख लो, उससे पता लग जाएगा कि आपके प्लांट्स को ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपने पानी नहीं डाला तो फ्रेंड्स पानी प्लांट्स के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो एक दिन दो दिन बिना पानी के सर्वाइव कर जाते।
जाते हैं बड़े प्लांट्स, लेकिन छोटे नहीं कर पाते हैं, ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। छोटे प्लांट्स में आपको बहुत कम पानी डालना है। एक अंदाज कर लेता है आदमी कि मेरा प्लांट जो है इतना बड़ा है, तो रूट्स इसकी आधी मान के चलिए। रूट्स तो आप देख नहीं रहे हो कितनी बड़ी हैं, तो आप मान लो कि मेरा प्लांट्स इतना बड़ा है तो रूट्स इसकी आधे गहराई तक तो गई होंगी। तो उतना ही पानी डालिए। गेस वर्क हो जाता है कि मुझे 50 ml डालना है कि हाफ लीटर पानी डालना है, वो एक गेस वर्क पता लग जाता है अगर आप ये काम करोगे। दोस्तों, जब भी आप अपने गमले में, ग्रो बैग में पानी डालिए तो इतना पानी ज़रूर डालिए कि थोड़ा बहुत पानी जो है गमले के या ग्रो बैग के ड्रेनेज होल से बाहर निकल आए। इससे दोस्तों कई फ़ायदे होते हैं। एक कई बार जो होता है, थोड़ी बहुत अगर अंदर जो फंगस वगैरह है वो बढ़ रही होती है तो वो भी इस पानी के थ्रू निकल के आ जाती है। तो थोड़ा पानी अधिक ही डालिए। साथ में कई बार जब हम लोग ट्यूब वगैरह से पानी देते हैं तो आदत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर जगह देने की, तो उस जगह देने से ऐसा गड्ढा सा बन जाता है। इस गड्ढे के पास से प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो भी दिखने लग जाती हैं और उसमें जो है फंगस बनने की, लगने की संभावना ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप जो है कोई भी गमले वगैरह का पीस वहाँ पर रख दीजिए। और आप अपनी आदत को नहीं ठीक कर सकते हैं तो इसी गमले के पीस के ऊपर ही पानी को डाला करिए। हम लोग के जो भी बल्ब वाले पौधे होते हैं, जैसे कि कैरेडियम है, रेन लिली है, फुटबॉल लिली है, और या फिर कहिए हल्दी और अदरक, इन सबको जो है पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है। इनको भले ही आपको 2 दिन या 3 दिन में डालना पड़े, लेकिन कंपेरेटिवली कम पानी की ज़रूरत होती है। तो हमेशा कम पानी डालिए, नहीं तो जो अंदर की बल्ब्स हैं वो सड़ जाएंगी। हमारे इसमें तो जो था, कल काफ़ी बारिश हो गई थी, इसकी वजह से आपको मिट्टी जो है थोड़ी गीली गीली दिख रही होगी। और इसके अलावा आप जो है कभी भी दोपहर के समय अपने पौधों की कंडीशन देख करके ये मत सोचिए कि हमें पानी डालना है। दोपहर के समय पौधों की पत्तियां जो हैं, जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, कुछ इस तरीके से लटक जाती हैं। ये दोस्तों तेज़ सूरज की रोशनी से अपने आप को बचाने के लिए ऐसे लटक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर पानी की कमी है, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल इनका प्रोसेस है। आपको पानी डालना है, पत्तियां देख के मत डालिए, बल्कि मिट्टी देख करके डालिए, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप इस प्लांट से हाथ धो सकते हो। तो कभी भी पत्तियां देख करके पानी डालने का डिसीज़न मत लीजिए। और आपको लगता है कि आपके किसी प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई है, तरीके से आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई कर देने से जो होता है, अंदर जो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वो थोड़ा बहुत एवोपरेट होने लगता है। तो ये ट्रिप भी आप फॉलो कर सकते हो। पानी जब पौधों में दीजिए तो बहुत स्पीड में मत दीजिए, थोड़ा आराम से दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पानी होता है वो गमले के अंदर अपना रास्ता खुद ही बना लेता है ड्रेनेज होल से बाहर निकलने का। तो जितनी तेज़ी से आप पानी डालोगे उतनी तेज़ी से वो बाहर निकल आएगा। तो धीमे धीमे पौधों में पानी डालिए कि ताकि मिट्टी जो है वो उनको पानी को एब्जॉर्ब कर सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पर हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं जो हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तो सबसे पहली चीज़ है कि किस समय पानी हम लोग दें। ये जो बर्ड है बड़ा चैं चैं, हाँ,